हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय माईट्यूब चैनल मैड ओवर मेकिंग मेरा नाम पीयूष बंसल है और आज आप सभी के सामने एक बहुत अच्छी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ जो कि जोश रिक्रूटमेंट टेस्ट 2021 के लिए है इसको अपन जे भी बोलते हैं दैट इज द टेस्ट दैट इज बींग ऑर्गेनाइज बाई दिस इज द फर्स्ट टाइम बिकॉज एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको थ्री प्लस जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर वेरियस लोकेशंस फॉर वेरियस प्रोफाइल्स आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी जहां पर फिफ्टी प्लस कंपनी ने रजिस्टर किया हुआ है फॉर दो तो आज की जो वीडियो है हमारी इसी को लेके है इस वीडियो में हम लोग पूरा कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं क्या कंपनीज रहेंगी क्या प्रोफाइल्स रहेंगी क्या सैलरी स्ट्रक्चर एंड लॉट प्लॉट मोर तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें सो so देट कहीं ना कहीं आपके लिए यह वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है इस वीडियो की या इस टेस्ट की अगर मैं खासियत की बात करूं तो सबसे अच्छी बात यह है कि इस टेस्ट के लिए ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट एनी पोस्ट ग्रेजुएट एनी फ्रेशर्स कैंडिडेट एलिजिबल है सबसे अच्छी बात यही है इस टेस्ट के लिए कोई भी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है इसके लिए लास्ट डेट दी गई है दैट इज सेवेंथ ऑफ जुलाई उससे पहले आपको इसके लिए रजिस्टर करना है इसीलिए इस वीडियो को पूरा देख के समझ के देन टेक योर डिसीजन वेदर दिस इज हेल्पफुल फॉर यू और नॉट अगर आपके लिए ये हेल्पफुल नहीं है या आपको किसी और के लिए लगता है हेल्पफुल है तो आप उसको ये वीडियो जरूर शेयर करेंगे सो so दैट जिस कैंडिडेट को रिक्वायरमेंट है जॉब के लिए वो यहां पर रजिस्टर कर सके और उन 50 प्लस कंपनीज में जितनी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज है अप्लाई कर सके एक दो अपॉर्चुनिटीज के लिए आप अप्लाई नहीं सारी की सारी अपॉर्चुनिटीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं बट बिफोर दैट उसके लिए कुछ प्रोसीजर है वो प्रोसीजर आप अच्छे से समझ लें इस वीडियो में वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं तो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं दैट इज 300 प्लस जॉब्स इज अवेलेबल इन द जोश रिक्रूटमेंट टेस्ट 2021 ऑर्गेनाइज्ड बाय जोश आई होप एवरीवन इज अवेयर अबाउट द जोश दॉक नेक्स्ट मेल एंड फीमेल कैंडिडेट कैन अप्लाई नो एज लिमिट क्राइटेरिया कोई एज लिमिट क्राइटेरिया नहीं है किसी भी कंपनी किसी भी प्रोफाइल के लिए नेक्स्ट यहां पर मैं आपको बता देता हूं व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडे वीडियो द वेरी फर्स्ट वन इज द वॉट आर द प्रोफाइल्स अवेलेबल किस प्रोफाइल्स के लिए आप अप्लाई करेंगे लोकेशन क्या रहेगी उन प्रोफाइल्स के लिए सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगा और किस तरीके की कंपनी यहां पर विजिट करने वाली है किस तरीके की कंपनी आपको रिक्रूट करने वाली है नेक्स्ट व्हाट विल बी द सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट टेस्ट का एक सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं सबसे लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कहां से और कैसे आपको अप्लाई करना है तो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड फील फ्री टू तो रीच आउट टू तो मी फॉर एनी क्वेरी तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रोफाइल्स क्या अवेलेबल है काफी सारी प्रोफाइल्स अवेलेबल है फॉर दी लेवल जॉब बैक ऑफिस हो गया डेटा एंट्री हो गया टेली सेल्स हो गया ऑपरेशन के लिए प्रोफाइल्स हैं कस्टमर सर्विसेज के लिए प्रोफाइल्स हैं अकाउंटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए प्रोफाइल्स हैं मार्केटिंग सेल्स क्वालिटी कंट्रोल एंड मच मच मोर दीज आर द प्रोफाइल्स आई हैव सेलेक्टेड एंड दीज आर द प्रोफाइल्स आई हैव राइट डाउन जस्ट टू प्रोवाइड यू द दिडिया कि किस तरीके की जॉब्स अवेलेबल हो सकती हैं फॉर द ट्वेल्थ पास कैंडिडेट के लिए नेक्स्ट यहां पर सबसे अच्छा क्राइटेरिया है कि आपका रिज्यूमे से आप सिलेक्ट नहीं होंगे आपकी स्किल्स के बेसिस पे आपकी क्वालिफिकेशंस के लेवल पे और आपकी नॉलेज के बेसिस पे आप यहां पर सिलेक्ट किए जाएंगे आपको पूरा एक असेसमेंट टेस्ट रहेगा वो आगे की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं नेक्स्ट लोकेशन कंपनी और सैलरी किस तरीके से रहेंगी लोकेशन काफी ज्यादा अवेलेबल है दिल्ली एनसीआर हो जाएगा गुड़गांव हो जाएगा पंजाब हरियाणा बहुत सिटीज के लिए ये लोकेशन अवेलेबल है इन 50 प्लस कंपनीज नेक्स्ट सैलरी का क्राइटेरिया अप टू फाइव लैक पर एनएम फॉर द फ्रेशर्स कैंडिडेट सैलरी जा सकती है डिपेंड करेगा आपके स्किल सेट पर आपके इंटरव्यू पर आपकी नॉलेज पर जिस तरीके का आपका ये सारा कुछ रहेगा उसी तरीके का आपका जॉब सैलरी रहेगी बट बेसिक टू बेसिक अगर मैं बात करूं तो थर्टी थाउजेंड टू थर्टी फाइव थाउजेंड आप अर्न कर सकते हैं फ्रॉम दीज काइंड ऑफ जॉब्स अवेलेबल इन फिफ्टी कंपनीज और वी कैन से द टेस्ट दैट इज ऑर्गेनाइज बाई जोश नेक्स्ट वी सिलेक्शन प्रोसेस एज यू कैन सी ओवर हेयर का सबसे पहला रहेगा आपको रजिस्टर करना रहेगा उसकी लास्ट डेट सेवेंथ ऑफ जुलाई है उस टेस्ट को रजिस्टर करने के लिए लिंक आपको मैं आप प्रोवाइड कर दूंगा लिंक से आप क्लिक करेंगे तो आप जोश की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे और वहां से उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे देन आपको एक एग्जाम देना होगा जो कि सेवेंथ ऑफ जुलाई के बाद रहेगा उसकी डेट्स भी मैं आपको बता दूंगा देन आप उस टेस्ट के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उसके बेसिस पे कट ऑफ जनरेट होगी उस कट ऑफ को अगर आप क्लियर करते हैं तो वो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे फॉर फर्दर प्रोसेस और फर्दर प्रोसेस में ये रहेगा कि आपको एक फीडबैक भी प्रोवाइड कराया जाएगा ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराई जाएगी सो so दैट जो भी आपके लैक ऑफ एरियाज हैं या जो भी आपकी कमियां हैं उनको आप दूर कर सकें ये फीडबैक जो ट्रेनिंग रहेगी वो कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं होते हैं फिर भी एक फीडबैक प्रोवाइड कराया जाएगा सो so दैट वो आगे भी अगर इस तरीके के टेस्ट में अप्लाई करते हैं तो वो उन चीजों को इम्प्रूव कर सकें बाकी जो इस कट ऑफ को क्लियर करते हैं उनको भी एक पूरा फीडबैक सेशन रहेगा जिससे आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं वाइल अपेयरिंग फॉर दो और लास्ट में जो आपकी प्रोसेस रहेगी वो प्लेसमेंट के लिए रहेगी आप प्लेसमेंट के लिए अपेयर रहेंगे कोई उसमें आपको एक्स्ट्रा चार्जेस फीस नहीं देने होंगे मैं आपको क्लियर कर देता हूं आपका जो भी फीस चार्जेस रहेगा वो वन टाइम टेस्ट के लिए रहेगा उसके बाद आपका कोई भी प्लेसमेंट कोई भी जॉब किसी भी चीज के लिए कोई भी चार्जेस नहीं रहेंगे नेक्स्ट यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो रिमेंबर करने के लिए हैं टेस्ट डेट जो रहेगी इलेवेंथ एंड एटीन जुलाई के लिए है रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट सेवेंथ ऑफ जुलाई है और जो रजिस्ट्रेशन की फीस है वो वन थाउजेंड से रिड्यूस होके वन हंड्रेड दैट इज नाइनटी नाइन रुपीज ही आपको पे करने हैं नाइन 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 इनकी फीस थी जो कि रिड्यूस होके नाइनटी नाइन कर दी गई है तो आपको इसके लिए सिर्फ हंड्रेड रुपीज के लिए रजिस्टर करना है जहां पर आप किसी भी 50 कंपनीज में से किसी भी प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर पाएंगे सिर्फ आपको असिसमेंट टेस्ट को क्लियर करना होगा असिसमेंट टेस्ट के बाद में भी आपको कुछ ट्रेनिंग टाइप की प्रोवाइड कराया जाएगा जिसमें आपको स्किल्स को ग्रूम करने के लिए कुछ टिप्स प्रोवाइड कराई जाएंगी सो so देट आप इजीली किसी भी इंटरव्यू को क्रैक कर सकें और एक जॉब ले सकें अमाउंट जो कि पूरी की पूरी प्रोसेस में इन्वॉल्व रहेगा पूरा का पूरा प्रोसेस प्रोवाइड कराया जाएगा प्लेसमेंट तक आपको कोई और चार्जेस नहीं देने हैं सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट देनी है दैट इज वन टाइम फॉर नाइंटी नाइन रुपीज जो कि आप इनकी वेबसाइट से ही रजिस्टर करेंगे नेक्स्ट आपको यहां पर मैं शो कर देता हूं कि कैसे आपको इसके लिए रजिस्टर करना है और कहां से रजिस्टर करना है तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं तो लिंक पर क्लिक करने के बाद आप इनके इस पेज पर आ जाएंगे यहां पर सिंपली रजिस्टर और लॉग इन का ऑप्शन आपको देखेगा सिर्फ वेरी सिंपल बहुत सिंपल सी डिटेल्स इनकी रिक्वायर्ड है नंबर ईमेल एड्रेस और नेम आपका उसके थ्रू आप यहां पर अपने को रजिस्टर करेंगे और आप इसके लिए फर्दर प्रोसेस कर पाएंगे नेक्स्ट में यहाँ पर रजिस्टर करने से पहले आपको वो प्रोसेस यहाँ पर लिखी हुई है आप वो प्रोसेस यहाँ से भी वेरीफाई चेक कर सकते हैं देन ओनली ही आप मूव करेंगे नेक्स्ट उसके लिए क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं किस तरीके की और अपॉर्चुनिटीज किस तरीके की कंपनीज आपको रिक्रूट करेंगी वो भी इन्होंने यहां पर बताया हुआ है फिफ्टी प्लस कंपनीज ट्रस्ट जे आर टी दीज आर दंपनीस जिनके साथ इन्होंने टाइप और अपने आपको रजिस्टर किया हुआ है सो so दी अच्छी से अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल पाए फॉर दोर डिजायर्ड लोकेशन एट योर डिजायर्ड सैलरी नेक्स्ट यहाँ पर कुछ एफेक्यूज दिए हुए हैं उन एफेक्यूज को भी आप पढ़ सकते हैं मैक्सिमम क्वेरीज आपके यहां से भी रिजोल्व हो जाएंगी मुझे बहुत सारी क्वेरीज इस तरीके से रिसीव हुई थी जो कि ट्वेल्थ पास थे ग्रेजुएट थे जिनके पास कोई जॉब नहीं आ पा रही थी तो उनका क्वेरी उनका क्वेश्चन था कि किस तरीके से मैं जॉब ले सकता हूं? तो इसलिए मैंने ये रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए एक वीडियो बनाया हुआ है जिससे मैक्सिमम कैंडिडेट को ये हेल्प मिल पाए और वो टाइमली इसके लिए अप्लाई कर पाए सिंपली रजिस्टर लॉग पर आप क्लिक कीजिएगा रजिस्टर लॉग पर क्लिक करने के बाद आप अपना फोन नंबर एड्रेस सॉरी फोन नंबर नेम और ईमेल एड्रेस डालेंगे तो आप यहां पर रजिस्टर कर पाएंगे दैन फर्दर प्रोसेस सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रहेगा आपको कैसे उसमें आगे एनरोल करके आगे प्रोसीड करना है सो so, जैसा की अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं आपने डिटेल फिल करेंगे तो आपको यहां पर ये विंडो पॉपअप हो जाएगी जिसके लिए आपको नाइनटी नाइन पे करने रहेंगे जिस भी मोड के साथ में आप कंफर्टेबल हैं, यहां से आप पे कीजिएगा और आप पे 99 पर क्लिक करेंगे तो आप इनके लिए रजिस्टर कर पाएंगे आप इनके लिए फीस पेमेंट कर दिए जाएंगे फर्दर प्रोसेस के लिए आपको पूरा गाइड कर दिया जाएगा पूरा आपके पोर्टल पर ओपन हो जाएगा किस तरीके से असेसमेंट टेस्ट रहेगा आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा गाइज अगर आपको फिर भी कोई डाउट कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन रह जाता है डू रीच आउट टू मी फील फ्री टू आस्क मी एनी क्वेरी सो that आप सक्सेसफुली इजिली अप्लाई कर पाए और जो फीस का अमाउंट है नाइनटी नाइन रुपीज दट इज वेरी वेरी नॉमिनल इस फीस के साथ में आप एक जॉब अर्न कर सकते हैं जिससे आप फोर्टी थाउजेंड अर्न कर सकते हैं तो वो आपको ध्यान में रखना है और आपको अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना है अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है अगर आपको लगता है आपके लिए हेल्पफुल नहीं है तो प्लीज शेयर दिस वीडियो अमोंग योर फ्रेंड सो दैट दे केन टेक द बेनिफिट ऑफ दिस आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो